राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जगह जगह बाढ़ का संकट गहरा गया है। आलम यह है कि स्कूल तक बंद करा दिए गए, वहीं बारिश संबंधित घटनाओं में लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 16 अगस्त को जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम तंत्र के चलते कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सुनिए मौसम विभाग के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने क्या कुछ कहा। आज दिनांक 16 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले वो जो परिसंचरण तंत्र पिछले एक सप्ताह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल अब यह धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी, कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा बारिश यदि देखें तो 220 mm हिंडोली बूंदी में रिकॉर्ड हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कोलायत में भी वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अब अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का खास असर जो है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में रहेगा, विशेषकर जोधपुर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर के दक्षिणी हिस्से, वहीं नागौर, इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश, जबकि कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों में कई इलाकों में मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद ही कमी होने की संभावना है। इसके बाद 17 अगस्त से यह सिस्टम और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। 17 अगस्त को भी आप देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के दौर से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर दिनांक 17 अगस्त से राजस्थान में भारी बारिश के दौर से राहत मिलेगी, जो 22-23 अगस्त तक जारी रहेगी, यानी अगले 5-7 दिनों के दौरान जो है वो आसमान खुलने की संभावना है। इसके अलावा दिन में धूप निकलने की संभावना है, केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की या मध्यम बरसात हो सकती है। इसके साथ साथ में एक और नया लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी और आसपास के वेस्ट बंगाल एरिया पे बना हुआ है और ये अगले 5-6 दिनों में धीरे धीरे इंटेंस होते हुए पूर्वी भारत से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसका जो असर है वो खासकर पूर्वी राजस्थान में 22-23 अगस्त से देखने को मिलेगा और एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो नेक्स्ट हेवी रेनफॉल का जो स्पेल है वो 23 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में प्रभावी होने की संभावना है और अगस्त के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर सामान्य से ज्यादा बारिश होने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।